लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों में शराब चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। छतरपुर में पुलिस ने शराब चोरी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 60 पेटी शराब जब्त की है। छतरपुर में लॉकडाउन में शराब दुकानों से शराब चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। ताजा मामला अलीपुरा का है, जहां देर रात शराब की दुकान से 3 लोगों को शराब चोरी करते पुलिस ने पकड़ा। इसकी सूचना पर 2 अन्य लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। ये चोर शराब की सील पड़ी दुकानों से शराब चोरी करके बेच रहे थे। इससे पहले भी ये आरोपी शराब दुकान में चोरी कर चुके हैं। देर रात ये दोबारा शराब चोरी करने पहुंचे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 8 पेटी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस शराब ठेकेदार पर भी मामला दर्ज करने की बात कर रही है। हमारे पास शराब के ठेके का ताला तोड़कर शराब की पेटी चोरी करने का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसकी सूचना उसके दौरान मुखबिर से हमको सूचना मिली कि शराब वह शराब रखी गई है, जिसके लिए हम तलाशी लेते हुए वहाँ हमको अवैध शराब मिली है और हमको आरोपियों को पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। अभी पूछताछ करने पर आगे जो अन्य आरोपी बताए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।